नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। दिल्ली में आईएसआईएस के आतंकियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। दिल्ली में पुणे पुलिस और एनआईए की टीम सेंट्रल दिल्ली इलाके में रेड कर चुकी है, लेकिन आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिला है। जम्मू कश्मीर के रामबन में मरो के पास दो ट्रकों के बीच टक्कर के कारण NH44 बंद होने से उधमपुर में सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। अहमदाबाद में साइबर क्राइम ने ऑनलाइन पार्टी ड्रग्स के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का भंडाफोड़ किया है। विदेशी ड्रग माफिया डाक के जरिए भारत में ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं। 2,31,000 रुपए मूल्य की 2.31 ग्राम कोकीन और 40,08,015 रुपए मूल्य की 5.970 किलोग्राम विभिन्न दवाएं जब्त की गई है। पंजाब के अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून और लंबे समय से लंबित कई उपायों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का रेल रोको विरोध प्रदर्शन जारी है। भारत को एशियाई खेलों के सातवें दिन शूटिंग में एक और मेडल हाथ लगा है। सरबजोत और दिव्या ने देश को 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में सिल्वर दिलाया। मणिपुर में मई से जारी हिंसा अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस हिंसा में अब कनाडा कनेक्शन की बात भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने महाराजगंज के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार का ट्रांसफर कर उन्हें बाराबांकी का जिलाधिकारी बनाया है। वहीं अरुण झा को महाराजगंज के DM पद पर सौंपा गया है। भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर विवाद चल रहा है। कनाडा ने हत्या का आरोप भारत पर लगाया, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। विवेक अग्निहोत्री की मच अवेटेड फिल्म द वैक्सीन वार बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है। दूसरे दिन भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरती दिखी। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में प्रधानमंत्री लोगों से खुद के यूट्यूब अकाउंट को सब्सक्राइब करने और बेल आइकॉन दबाने की अपील कर रहे हैं। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में खालिस्तानी समर्थकों की करतूत सामने आई है। यह भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराई स्वामी को गुरुद्वारे जाने से रोका गया। एक देश एक चुनाव को लेकर पूरे देश के राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता की बैठकों में तगड़ी बहस जारी है। इन बहसों के बीच लॉ कमीशन के चेयरपर्सन ऋतुराज अवस्थी ने इसको लेकर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि एक देश में एक चुनाव कराने से पहले सरकार को संविधान में कुछ अहम बदलाव करने होंगे। 1 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में देश की पहली हाई एल्टीट्यूड मैराथन होगी। इसका प्राथमिक उद्देश्य साहसिक खेलों को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का प्रस्तावित विदेश दौरा रद्द कर दिया गया है। राहुल नार्वेकर घाना में होने वाले 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होने जा रहे थे। उत्तरी महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के एक गांव में शुक्रवार को उस समय तनाव पैदा हो गया जब एक धार्मिक जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारे लगाए जाने की शिकायत करते हुए एक समुदाय के सदस्यों ने दूसरे समुदाय के लोगों के समूह पर पथराव किया। महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे पर बुलाई गई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम शिंदे ने ये भरोसा जताया है कि मराठा आरक्षण के चलते किसी भी समाज के आरक्षण का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। मुंबई की एक विशेष CBI अदालत ने एक होटल व्यवसाय की शिकायत पर दर्ज 2021 के जबरन वसूली मामले में पूर्व पुलिसकर्मी सचिन बाजे को शुक्रवार को जमानत दे दी। जवान की आंधी में पुलकित सम्राट और ऋचा चड्ढा की फिल्म फुकरे 3 अपने पैर जमा चुकी है। शानदार शुरुआत करने के बाद दूसरे दिन भी फुकरे 3 की कमाई अच्छी रही। किंग खान की इस साल 2 फिल्में रिलीज हुई है और दोनों ही फिल्मों ने सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बना है। अब शाहरुख खान की तीसरी फिल्म डंकी भी रिलीज के लिए तैयार है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इनबीसी न्यूज़। नमस्कार।